नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति, खबर अलवर के रामगढ़ से। एसडीएम की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई संपन्न। रामगढ़ थाना परिसर में एसडीएम कैलाश शर्मा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसडीएम कैलाश शर्मा द्वारा दुकानदारों को बताया गया कि कस्बे में बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का है और 8 बजे तक सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अपने घर पहुंच जाएं। 8 बजे के बाद यदि कोई दुकान खुली मिली तो पुलिस उस दुकान को 7 दिन के लिए सीज कर देगी और दूसरी बार दुकान खुली मिली तो अगली वार में 15 दिन के लिए सीज की जाएगी। आज से पहले 72 घंटे के लिए दुकान को सील किया जाता था, लेकिन अब 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। सभी दुकानदार एवं प्रबंधनों से एसडीएम ने अनुरोध किया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार की जारी गाइडलाइन की पालना करें और प्रशासन का सहयोग दें, प्रशासन को सख्ती करने के लिए मजबूर न करें। इसके अलावा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई चिरंजीवी योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा में शामिल पात्र एवं लघु कृषक और सीमांत कृषक एवं संविदा कर्मियों को 1 वर्ष का मेडिकल बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है और अन्य लोगों को 850 रुपये में 1 वर्ष का बीमा ई मित्र से करवाया जा सकता है। ई मित्र संचालक द्वारा यह निःशुल्क किया जाना है। बैठक में थानाधिकारी रामनिवास मीणा, सरपंच शकुंतला सैनी, सीएलजी सदस्य व अन्य प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आज रामगढ़ कस्बे में थाने में सीएलजी की मीटिंग ली गई और सीएलजी की मीटिंग में सभी उपस्थित माननीय सीएलजी के सदस्यगणों को और सभी कस्बे से पधारे हुए सम्राट नागरिकों को कोविड गाइडलाइंस के बारे में बताया और अपने मार्केट को किस किस तरीके से टाइमली ऑपरेट करना है और लोगों को सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना है और कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने, उन सब पर चर्चा की गई विस्तार से। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के बारे में संक्षिप्त में उनको समझाया गया और ये बहुत अच्छी योजना है, लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जो वंचित हैं उनको भी हमने बता दिया कि भाई क्या गाइडलाइंस है, क्या आपको करना है। और ई मित्र वाले जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया और उन्होंने भी अपनी विस्तार से इस चीज़ के बारे में जानकारी दी। मुझे आशा है सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे और प्रशासन इनकी सेवा के लिए है और ये प्रशासन का सहयोग करेंगे जिससे रामगढ़ क्षेत्र में कोरोना महामारी से और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो अच्छी तरीके से लागू